स्कोर आपने लगा दिया। और हाँ एक बात जरूर है, कुछ जो ज़ेम्पा को इंडियन टीम में सबसे तगड़ा जो मारता था ना वो नहीं है। अच्छा एक सेकंड अभी देख लेते हैं, ज़ेम्पा वर्सेस इडियट बैटर्स, ये देख लो जरा। ये तो 10 में से 4 बार रोहित को आउट किया हुआ है, शुभमन गिल को 4 इनिंग में 2 बार आउट किया हुआ है, 4 में 2 शुभमन गिल को, विराट कोहली को 13 में 5 बार आउट किया हुआ है, श्रेयस अय्यर को 7 में 2 बार आउट कराया हुआ है, केएल राहुल को 11 में 4 बार आउट करा। मतलब ऐसे स्टैट्स किसी के है नहीं, और मतलब इसने इंडिया 17 बार इसने हमारे टॉप ऑर्डर के 5 जो है उनको आउट किया, टॉप 5 को आउट किया 17 बार। अय्यर जो डोमिनेट करता है स्पिन, ज़ेम्पा के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट देख लो 87। मैं बोल तो रहा हूँ कि ये मैं कल से सिर्फ एक ही आदमी के बारे में सोच रहा हूँ, वो एडम ज़ेम्पा। ऊपर से श्रुति भी मेरे को और ज्यादा डराने वाली बात करके चली गई कि एडम ज़ेम्पा कल तगड़ा कर रहा है और सबसे अच्छा कर रहा है बाय द वे। तो ये जो बंदा है ना उसी पर यार लक्षित, ये 10 में वर्ल्ड कप में 10 मैच में 22 विकेट तो लिए, चलो समझ गए, लेकिन अगर आप ज़ेम्पा को देखोगे इसने तो कैंपा बनाया हुआ है, लेकिन बट पिला के मारा है भाई, क्या होगा मेरे ख्याल से एक दो बार इतनी बुरी तरह कौन मारता है, मौका ही नहीं मिला यार सूर्य को, मौका सूर्या ने तो 3 गोल्डन डक ऑस्ट्रेलिया के गेम, अबे इसका पता ही नहीं चला, इसका पता ही नहीं चला कि ये इतनी विकेट्स कब ले गया इंडिया के गेम्स। मतलब मेरे को तो सच्ची में जब मेरे को बताया, मेरे को ये ग्राफिक अभी मैं देख रहा हूं तो यकीन भी नहीं हो रहा कि चलो रोहित और विराट का तो समझ गया, चलो बहुत बार खेले हुए पुराने हैं, उसने फसाल शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, किसको बख्शा इसने? अगर आप 11 इनिंग में 4 बार आउट कर रहे हो, श्रेयस को 7 में 2 बार आउट कर रहे हो, कोहली को 5 बार, आपको पिछले 6 साल से तंग कर रहा है, 2017 की सीरीज थी, 17 से ज़ेम्पा आपको तंग कर रहा है, इंडिया में सीरीज थी भाई, और वहां पर बस एक ही खिलाड़ी था जो इसको मारता था, वो था हार्दिक पांड्या, सबको ये जो है तंग करते हुए आ रहा है, और बार बार इसने तंग किया है। वो पता क्यों है? अगर आप अपना फीट मूवमेंट करोगे इसके अगेंस्ट तो आप बच सकते हैं, और एक चीज अगर आप डाउन द ट्रैक नहीं आए इसके अगेंस्ट तो आप फंसोगे ही फंसोगे। एक चीज आप देखो, इन इंडिया एडम ज़ेम्पा 26 मैचेस 49 विकेट है वनडे में, 49 ऑलमोस्ट 50 विकेट है 26 मैचों में यार, डबल ही है मान के चलो लगभग, डबल हर मैच भाई, ये पागल वागल हो गए क्या हमारे गेम, लेकिन इसको भगाओ, कल इसको लॉक करो, इसको भगाओ यहां से भाई, बड़े दिलों के बाद वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। एक चीज कि इसको अगर सबसे बेहतर खेला है तो वो भी रोहित और विराट ने खेला है, स्ट्राइक रेट की अगर आप देखो, विकेट ले लो, विकेट लिए उसने, लेकिन सबसे अच्छा इन दोनों ने ही खेला है, बड़े स्पिनर्स हैं, मारते मारते आउट हुए। एक चीज जो थोड़ा सा हक में जा सकता है, ये तो पहले के स्टैट्स हो गए, लेकिन जो वर्ल्ड कप में आपकी टीम स्पिन, मतलब हमारी जो भी स्पिन खेल रही है यहाँ पे, चाहे श्रेयस अय्यर का ले लो, केएल राहुल जिस तरीके से स्पिन को खेल रहा, विराट कोहली, इतना ज्यादा हमें ट्रबल नहीं हुआ है। हाँ। अगर आप देखो पूरे टूर्नामेंट में ना विराट कोहली ज्यादा फंसे, हाँ एक बार एक दो बार आउट हुए होंगे स्पिन के समय, वो स्पिन एंगल ब्रंट ने आउट किया, एंगल ब्रंट ने एक दो बार आउट, एक बार आउट, एक बार आउट नेदरलैंड। इसके अलावा आप देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ने तो बख्शा ही नहीं, शुभमन गिल तो खेल ही नहीं पाया, 78 की स्ट्राइक रेट चल रही है यार, शुभमन गिल को थोड़ी सी तंग जरूर, 4 में 2 बार आउट तंग किया ज़ेम्पा ने, बट यार शुभमन गिल भी अब ज़ेम्पा जब तक आएंगे तब तक डैमेज हो चुका होगा, डैमेज जो ज़ेम्पा को इसमें पहले 10-15 ओवर में हो सकता है, अगर रोहित शर्मा रोहित और गिल की पार्टनरशिप बन जाए तो फिर आपको इसको मार सकता है ऋषभ पंत, इसको मार सकता है, और इसको मारता था वाकई में हार्दिक पांड्या। इसने एक ही मैच खेला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, एक मैच खेला, 3 विकेट लिए, 7 किया, 7 किया एवरेज, इकोनॉमी रेट 2 किया। अच्छा जो इंग्लैंड के गेस्ट था वही मैं करने वाला मैच बता रहा हूं, आ जाइए वापस आ जाइए, उसी पे रहिए लक्षित, उसी पे रहिए, कोई बात नहीं, हो गया इंग्लैंड की हालत देखो, काउंटर तो करना पड़ेगा ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बात तो है नहीं कि हलवा है कि आप बिल्कुल आराम, दिनेश बोल रहे हैं कि ज़ेम्पा का कैंपा बना देंगे, देखो पता है बिल्कुल बनाया, आप मैं तो पीना चाहूंगा वो कैंपा, और अभी कैंपा कोला देखो ना, एक तो बनाएंगे, आप इस वर्ल्ड कप में देखो ना, इस वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस ठीक है आप एक तरफ रख लो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इस वर्ल्ड कप के पहले मैच से लेकर के लास्ट जो मैच हो वहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस, कम ऑन चारो इमाम को एक मुक्का दे, मेरा भी यही आ रहा है, और किस तरीके से ज़ेम्पा की परफॉर्मेंसेस आई आप तब उस बेसिस पर अगर आप जज करो, ये तो पूरा इमाम को कोहनी मार रहे हैं, इमाम को कोहनी मार रहे हैं, जी बोलूं मैं, बोलिए बोलिए, आप ज़ेम्पा की इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हो, कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऊपर से 2-3 विकेट्स निकल गई तो ज़ेम्पा की जो इफेक्टिवनेस है ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, यहाँ पे फंस जाएंगे अगर ऊपर से आ गए, अगर ऊपर से गए, इसका कहने का मतलब है अगर पैट कमिंस और जो समझ गए हेजलवुड
इन्होंने शुरू में आउट कर दिया विराट को अल्टीमेटली वो समझ लिया जो भी है दो विकेट ले ली जल्दी और फिर जैम्पा आ गया वो समझ लिया वो समझ गए आप अटैक करते हो बात अगर मगर की ना अगर वो ऊपर से वो दो विकेट नहीं अगर मगर की बात तो आप भी कर रहे देखो इस अगर का काउंटर मगर ही होता है अच्छा अगर का काउंटर हमेशा मगर ही होता है आपने बोला ऊपर से दो विकेट आ गई तो मैं भी कह रहा हूँ अगर ऊपर से वो दो विकेट नहीं आई तो इफेक्टिव अगर का काउंटर फिकर होता है फिकर करे आप कल आपने एक बात बोली थी कि साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था हाँ। जो आपका सेमीफाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का तो वहां पे आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ना बड़ा लास्ट में ले जाके जीती थी अगर अगर वहां पे 20-30 रन एक्स्ट्रा होते तो फंस सकता था ऑस्ट्रेलिया ना आपने ये कहा था ना तो मैंने भी ये कहा था कि अगर इंडिया उस दिन 350 पे रुक जाती तो फिर इंडिया भी फंस सकता था उस दिन अगर 350 होते बोर्ड पे फंस सकता था तो बात तो मानी मैंने आपकी फंस सकता था भाई एक सेकंड एक चीज बता रहा हूँ 350 होते ना कितने बनाए थे उसने 327 जीत रहे थे ना 23 रन से भी जीते अरे प्रेशर भाई दिमाग में प्रेशर यार 350 मैं नहीं मानता ये बात मैं नहीं मानता कि 350 नहीं भाई सेमीफाइनल आप जीत सकते हेजलवुड ने 5 मैच में एक बार आउट किया है रोहित को चलो ठीक है शुभमन गिल को 2 मैच ही खेले नहीं आउट किया श्रेयस को 6 मैच में 2 बार आउट कर दिया इसने केएल राहुल को 5 मैच में आउट नहीं कर पाया बिकॉज मिडिल में आता है बट सबसे बड़ी डरावनी बात 8 मैच खेला विराट कोहली के अगेंस्ट हेजलवुड ने विराट कोहली को ओडीआई में 8 इनिंग्स में 5 बार आउट किया भाई 5 बार स्ट्राइक रेट आप देख लो स्ट्राइक रेट 57.95 विराट कोहली जैसे प्लेयर की कल सारे बदले लेंगे तो जैम्पा और साथ में हेजलवुड ये तो मतलब डबल डेंजर डबल ट्रबल और पहले मैच में भी हेजलवुड ने हेजलवुड ने आउट किया था हाँ आ गई थी वो पॉइंट है बट उसके बाद से इंडिया ने जिस यार ये अगर ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी भी वो हो जाए ना कि उसे ने बढ़िया किया ये आदमी इतना एक्साइटेड होता है अंदर से पता नहीं क्या नीचे से कुछ आ गया स्प्रिंग नीचे स्प्रिंग लगी है ऊपर से उड़ जाता है ब्यूटीफुल एनालिस्ट ही कैन से अगर आप ये नॉट गुड ही इज अ पावर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक पॉइंट पे काउंटर कर देता चलिए रोहित और विराट या फिर आपने कहा था टॉप ऑर्डर चलो निकल लिया पहले 10-15 रन में आपके 2 विकेट आ गई तो आप क्या वहां से रिकवर कर सकते हो या नहीं कर सकते तो अगर चलो मैं पूछता हूँ जिस तरीके से श्रेयस अय्यर केएल राहुल ने बैटिंग की है 2 बार आउट करा दो बार आउट किया था उस समय श्रेयस अय्यर जो बैटिंग कर रहा था अभी जो श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहा है उस पे आकर देखो ना अरे पहले मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी जो हाथ में गेंद दे गया था आप वो वाली बात चलो दे गया था अगर इस मैच में दे गया था कर लो दे गया था हेजलवुड को जिस हिसाब से गेंदबाजी करा था थोड़ा सा बाउंस मिलता है हेजलवुड के अलावा भी बाकी बड़े बड़े शॉट में भी और कभी कभार वो बिना देखे मारता है वो शॉट हेजलवुड के अलावा भी इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े बॉलर थे या नहीं थे बाकी टीमों के पास साउथ अफ्रीका के पास से श्रीलंका चल श्रीलंका के पास भी मधुशंका तो था लगातार विकेट 22-23 विकेट उसकी भी है इस टूर्नामेंट में ठीक है और भी बड़ी टीमों के पास बड़े बड़े बॉलर थे तो श्रेयस अय्यर ने उसके बाद लगातार 200 लगा दिए श्रीलंका वाले मैच में टूर्नामेंट में लगा दिया है पूरे टूर्नामेंट में 500 से ऊपर रन बना दिए जो आपके सामने पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच और 9 मैच खेलने के बाद का जो माइंडसेट होता है ना वो अलग होता है मैं आपको वही बार बार समझा रहा हूँ पहले मैच में रोहित शर्मा ने भी कहा था कि हम थोड़े नर्वस थे पहला मैच था बतौर कप्तान को कहा था कि हम थोड़े से नर्वस थे और चलो विकेट आ गई चलो मान लिया वो बात विकेट आ गई वहां पे श्रेयस अय्यर की लेकिन श्रेयस ये जो आप बोल रहे हो ना इस स्टैट्स पे बोल रहे हो कि 6 बार में 2 बार आउट किया है इस टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से काउंटर किया है इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं से बात कर रहा हूं भाई पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लो जितने भी मैचेस खेले इंडियन टीम ने यार मैं तो आऊंगा ना बात पे जिस टीम के खिलाफ फंसी है इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर या फिर बल्लेबाज तो फंसी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई एक सेकंड लगाया एक सेकंड राहुल ने 97 वाला मैच फंसा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 300 लगा के तू क्या मैच फंसा सकते हैं राहुल ने मैच जिताया था केएल राहुल पे चालू ना बोले हाँ बोलिए बोलो केएल राहुल क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अगेंस्ट 2 ओडीआई सीरीज हो गई पहले तो केएल राहुल के पूरे साल में आप उठा के देखो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में स्टैट्स उठा के देख लो एक बार चार 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 तो बड़ी पारी मुझे स्पेसिफिकली केएल राहुल वर्सेस मिचेल स्टार्क 2 बार आउट किया एक सेकंड मिचेल स्टार्क के इनिंग्स में क्या है बताना मैं राहुल को स्टार्टिंग जंपा 4 बार पूरा वर्सेस में और क्या बताओ नहीं मैं तो बताऊंगा ना आप केएल राहुल को डिफेंड कर रहे हो केएल राहुल को एक सेकंड
अभी देख रहे हैं आप, जॉश हेजलवुड ने एक बार भी आउट नहीं करा, आप बोल रहे हैं स्टाफ ने दो बार आउट किया, ज़ैम्पा ने तो यार ज़ैम्पा वाले पे जाइए, ज़ैम्पा के तो फिगर्स अलग लेवल के ही है, लेकिन मैं के फिगर्स तो अलग लेवल के, मैं इमाम को जरा जवाब देता हूँ। देखो आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया, इमाम ने आपकी तीनों की बोलती नहीं, 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 कोई बोलती बंद नहीं बोलती, देखो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं मान रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन बोलर्स ने स्टेट वाइज, स्टेट वाइज आपके प्लेयर्स को परेशान किया है, इमाम सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर है, हम इस वर्ल्ड कप की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, पहले मैच में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस क्या थी, खराब थी, टॉप ऑर्डर पूरा फेल हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से टॉप ऑर्डर ने पूरे वर्ल्ड कप में खेला है, एक सेकंड वो आप देखो, एक सेकंड स्टेट में तो यार पहले पहले दो मैच छोड़ के ऑस्ट्रेलिया एक मैच नहीं हारी है, नहीं हारी है, आठ मैच जीती है, बढ़िया खेला, तो आप आपने बहुत अच्छा, मैं रिसेंट आपको बता रहा हूं, सेमीफाइनल हम जीते, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया कैसे जीता और इंडिया कैसे जीता, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सेमीफाइनल आपने वानखेड़े में खेला, उन्होंने कोलकाता में नहीं, उनको मदद मिली थी, अगर आप भी ऑस्ट्रेलियंस के लिए फर्क पड़ा था, नहीं वो पिच, वो पिच वो चीज नहीं थी, वो ग्राउंड वाली था, वो छोड़ तभी तो जल्दी आउट कर गए भाई, आपके 750 रन बढ़ गए उधर, न्यूजीलैंड भी कोई ऐसे हल्के में आउट नहीं हुआ, 330 तक पहुंच गया, इसका काउंटर बता रहा हूं, ओवरकास्ट कंडीशन हुई थी ना, कोई ओवरकास्ट कर ले गए, ओवरकास्ट कंडीशन, अब आप कोलकाता की पिच अलग थी, वानखेड़े की पिच अलग थी, जहां पे 750 रन बढ़ रहे वहां तो सबने 12 रन, बट यहां पे अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले दो मैच हारने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, नहीं देखा, यस इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, कोई डाउट नहीं है, इंडिया फेवरेट है, मैं तो बोल चुका हूं कि 80% इंडिया 20% ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जहां पे ऑस्ट्रेलिया का जो एज आता है ना, वो अगर आप इतिहास उठा के देखें तो फाइनल्स में एज है उनको, और हमारी टीम ये वाली टीम का पहला बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जीत अभी रहे, अभी भी मैं ये बोलता हूं अभी जीत रहे, लेकिन ये जो ज़ैम्पा का फैक्टर है वहां पे, एक जो चीजें है ना बीच में, जैसे हेजलवुड का फैक्टर हो गया, ज़ैम्पा का फैक्टर हो गया, ये वो वाले प्लेयर है, देखो अल्टीमेटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़े मोमेंट पे कौन प्रेशर हैंडल बेटर करता है वो जीत जाए, सही बात है, और डीएनए इनका हमसे बेटर है जीतने के मामले, मतलब ये ओवरऑल ज्यादा जीते हुए, सारी बात है।